मिशन बंगाल पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, कार्यकर्ताओं से ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। सुबह 10 बजे से शुरू होना है कार्यक्रम, सबसे पहले जाएंगे रामकृष्ण मिशन। दोपहर 12 बजे सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे अमित शाह और इसके बाद खुदीराम बोस को देंगे श्रद्धांजलि। 1:15 बजे देवी मां माया मंदिर का करेंगे दौरा और इसके बाद मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में जनसभा। आज ही बीजेपी में शामिल होंगे शुभेंदु अधिकारी, 7 से 8 विधायक भी साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ कई पंचायत सदस्य भी। मिशन बंगाल के लिए जोरदार तैयारी कर रही बीजेपी, 7 दिग्गज नेताओं को दी गई है जिम्मेदारी। बीजेपी की टीम में 5 केंद्रीय मंत्री शामिल, कल अमित शाह के साथ होगी रणनीति पर चर्चा। ममता बनर्जी जी के जमीन से नीचे से खिसकती जा रही है, उनको भी इस बात का भरोसा हो गया है कि स्थितियां विपरीत बन पड़ी हैं और बंगाल अब बदलाव चाहता है, बंगाल बदलाव की ओर देख रहा है। बंगाल में जा रही है टीएमसी में भागम भाग, बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शीलभद्र दत्त ने ममता बनर्जी की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा पर्सनल और प्रोफेशनल लोग चला रहे पार्टी। शीलभद्र दत्ता के इस्तीफे देते ही दफ्तर से हटाई गई ममता बनर्जी की तस्वीर, विवेकानंद की तस्वीर को मिली जगह। बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा किया नामंजूर, मिलकर अर्जी देने की जारी किया नोटिस। जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद आसनसोल में बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। बाबुल सुप्रियो ने बिना नाम लिए जितेंद्र तिवारी पर साधा निशाना, फेसबुक पर लिखा ऐसे लोगों की बीजेपी में एंट्री का करूंगा विरोध। पार्टी नेताओं के साथ ममता बनर्जी की बैठक, चुनाव से पहले दिग्गजों के भागम भाग को लेकर माथा पच्ची। सिलीगुड़ी में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक, 5 जिलों के डीएम और एसपी के साथ हुई चर्चा। बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को थमाया नोटिस, अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की खींचतान के बीच राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष बनने के संकेत, आज आला नेताओं के साथ बैठक करेंगी सोनिया गांधी। जल्द शुरू होगी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया, रणदीप सुरजेवाला बोले 99% कार्यकर्ता चाहते हैं राहुल को मिले पार्टी की कमान। यूपी के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, 4 जनवरी तक देना होगा जवाब, 7 जनवरी को सुनवाई। दिल्ली की सीमा पर जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया, कृषि कानून पर सवाल उठाने वालों को दिया करारा जवाब। किसानों को संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा किसानों को बरगलाना बंद करें सियासी पार्टियां। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के विरोध पर भी उठाए सवाल, पूछा कानून पर क्या इतराज है, उनके पास इसका जवाब नहीं। किसानों को प्रधानमंत्री के संबोधन पर राहुल ने साधा निशाना, बोले आदत के अनुसार आज फिर किया असत्याग्रह। किसानों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया नारा, कहा मोदी जी आगे बढ़ो और किसान कानून लागू करो। किसानों को प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पंजाब के सांसद और विधायक। यूपी के किसानों को समझाने की मुहिम में जुटे केंद्र और योगी के मंत्री, मेरठ की किसान सभा में पहुंची स्मृति ईरानी। किसानों को मिला पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह के साथ रोहतक में धरने का कार्यक्रम। आज तक से खास बातचीत में चौधरी बीरेन्द्र सिंह बोले संवाद होना चाहिए, लाखों किसानों को जरूर मिलेगा न्याय। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। 24वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर डटे हैं किसान। किसानों के प्रदर्शन स्थल से सामने आ रही हैं अलग अलग तस्वीरें, जंजीरों से अपने आप को जकड़ कर कर रहे हैं कानूनों का विरोध। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का धरना, आसपास के लोगों की मदद से चल रहा है दिन रात लंगर। गाजीपुर में प्रदर्शन स्थल पर लगाई गई है अनूठी किताबों की दुकान, खरीदने के अलावा पढ़कर लौट आने का भी ऑप्शन। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन हंगामा, एमसीडी के 2500 करोड़ के किराया माफी मामले में आम आदमी पार्टी ने की सीबीआई जांच की मांग। फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी पर राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, जितना
फीसदी सिलेबस उतनी ही फीस वसूल कर सकेंगे स्कूल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 23,000 नए मामले, 338 की मौत, 99,89,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 3,13,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,418 नए मामले, एक दिन में कोरोना ने ली 37 लोगों की जान। बिहार में 4 जनवरी से खुल जाएंगे सीनियर स्कूल, 15 दिन तक हालात देखने के बाद ही बच्चों के स्कूल पर होगा फैसला। हाथरस केस में 4 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, हत्या, गैंगरेप और SC ST की धाराओं में केस। सीबीआई ने दाखिल की 2000 पन्नों की चार्जशीट, 22 सितंबर को मौत से पहले पीड़िता के आखिरी बयान को बनाया आधार। पीड़िता के परिवार वालों ने सीबीआई जांच पर संतोष जताया, फिर दोहराई डीएम को हटाने की मांग। 27 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई, अदालत ने जिले के डीएम और SP को किया तलब। चार्जशीट दाखिल होने के बाद हाथरस मामले पर फिर सुलगी सियासत, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने सीएम योगी पर साधा निशाना। मुंबई के ओशीवाड़ा इलाके में बेकाबू मर्सिडीज का कहर, डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, मौके पर मौत। मुंबई में बाल बाल बचे दादी और पोता, लोकल से उतरने के दौरान चल पड़ी ट्रेन, कांस्टेबल ने बचाई जान। मथुरा में चलती ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में आफत में आई जान, देवदूत बनी रेलवे पुलिस। लातेहार के बालूमाथ थाना में नक्सलियों का आतंक, 5 गाड़ियों में लगाई आग, 2 ड्राइवर को मारी गोली, SP मौके पर पहुंचे। मुंबई में बीच सड़क पर दूर दूर जलने लगी खड़ी बस, कोई नहीं था बस में सवार। बागपत में पुरानी रंजिश में बहा खून, सेल्समैन को युवकों ने मारी गोली। कटिहार में स्कॉर्पियो गाड़ी से सैकड़ों लीटर विदेशी शराब जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। असम के कार्बी आंगलांग में हादसे का शिकार हुई बस, 10 लोगों के जख्मी होने की खबर। बिहार के गया में सीमेंट कारोबारी से 6,00,000 की लूट, बैंक से निकालने पैसे। हिमाचल की मंडी में सेल्फी लेने के चक्कर में एक सैलानी की गई जान, ब्यास नदी में गिर कर डूबा 25 साल का युवक। कन्नौज में एक लड़की ने जमकर की मनचले की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में महिला ने मनचले को सिखाया सबक, जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। शाजापुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के फजिलका में 6 किलो हेरोइन बरामद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 करोड़ रुपए। झारखंड के धनबाद में जहरीली गैस से एक महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। इंदौर में सामने आया सड़क हादसे का वीडियो, सड़क पर गिरे शख्स को डंपर ने कुचल दिया। पटना सिटी में अस्पताल के पास झाड़ी में रखे बम में विस्फोट, 2 बच्चे घायल, 1 की हालत नाजुक। बिहार में ट्रक एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ तेजस्वी यादव से लगाई गुहार। हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ जुलूस। जोशीमठ में शीतलहर का सितम, मौली में 0 से नीचे पहुंचा पारा, जम गया पानी। दिल्ली में लगातार गोते खा रहा है पारा, शुक्रवार को 3.4 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली में कोहरे का भी कोहरा, ठंड और सर्द हवाओं ने लोगों को किया परेशान। राजधानी में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट, शनिवार को येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जताया आखिरी हफ्ते में तापमान के 2 डिग्री तक जाने की आशंका। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड, लोगों के लिए कोहरा बना दोहरी मुसीबत। कड़ाके की ठंड की चपेट में राजस्थान, माउंट आबू में 0 से 2.5 डिग्री नीचे तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड, ज्यादातर जगहों पर 3 से 5 डिग्री के बीच है न्यूनतम तापमान। हिमाचल में जारी है ठंड का प्रकोप, कोहरे के आगोश में नजर आया मंडी शहर। लाहौल स्पीति में सर्दी का भीषण सितम, केलांग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। पहले टेस्ट में 2 दिन भारत को कुल 62 रन की बढ़त, क्रीज पर मौजूद मयंक और बुमराह। दूसरी पारी में फ्लॉप रहे पृथ्वी शॉ, सिर्फ 4 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे।
पहली पारी में भारत को मिली थी 53 रन की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के आखिरी तीन बल्लेबाजों ने ठोके 80 रन। कप्तान चैंपियन का शानदार अर्धशतक। पहली पारी में अश्विन को 4 और उमेश यादव को मिले थे 3 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने किए 2 शिकार। 70 अंकों की बढ़त के साथ 46,960 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 19 अंकों की बढ़त के साथ 13,760 पर निफ्टी पर। 2020-21 के लिए भारत की विकास दर में 7.8% की गिरावट का ICRA ने जताया अनुमान। कहा, चौथी तिमाही में खत्म हो जाएगी मंदी। पिछले साल MSP पर पंजाब से ज्यादा गेहूं खरीदने का मध्य प्रदेश ने किया दावा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा स्पेक्ट्रम की एक्सपायरी का वक्त आया नजदीक। रिन्यू कराने के लिए चाहिए होंगे 50,000 करोड़ रुपए। लॉन्च के बाद कारों की वेटिंग बढ़ाने का जोखिम लेने से बचेंगी कार कंपनियां। पहले से इन्वेंट्री तैयार करने पर फोकस। कंटेनर्स की कमी से एक्सपोर्टर्स को निर्यात कम करने में मुश्किल। सरकार से लगाई मदद की गुहार। टेक दिग्गजों पर लगा सांठगांठ का आरोप। ऑनलाइन एड मार्केट में जोड़ तोड़ के लिए फेसबुक से मिली भगत के इल्जाम में गूगल पर मुकदमा। वेस्ट बैंक में कोरोना की दूसरी लहर के बाद दोबारा लॉकडाउन लगाया गया। रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे तुर्की और इराक। इस्लामिक स्टेट और कुर्द विद्रोहियों पर होगा डबल अटैक। नाइजीरिया में छुड़ाए गए स्कूल से अगवा किए गए 344 बच्चे। आतंकी संगठन बोको हराम ने वारदात को दिया था अंजाम। अर्जेंटीना की एक कोर्ट ने डियागो मैराडोना के शव को दफनाने पर लगाई रोक। कहा, पेटेंटी केस में पड़ेगी DNA की जरूरत। अर्जेंटीना में गर्भपात बिल को लेकर जारी है बवाल। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। धुंध से भरे मौसम में भयंकर वायु प्रदूषण की चपेट में यूरोप के कई देश। बोस्निया के शहर सरायेवो में छाया अंधेरा। वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने की वजह से रनवे पर फिसला विमान। टेक ऑफ करते वक्त हादसा, बाल बाल बचे 111 मुसाफिर। ब्राजील में कोरोना संकट के बीच दिखी क्रिसमस की रौनक। साओ पाउलो के बाजारों में शानदार रोशनी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जोरदार बर्फबारी। सफेद चादर में ढका पूरा शहर। जनजीवन अस्त व्यस्त। ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ा क्रिसमस और नए साल का बुखार। जमकर खरीदारी और मौज मस्ती कर रहे लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।